सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमोक्सिसिलिन एवं पोटेशियम क्लोरिनिक एसिड के कम्बिनेशन में आने वाली मेडिसिन के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है आपका, और इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोरिनिक एसिड क्या है, किस किस ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाती है, साथ ही साथ जैसा यह एक एंटीबायोटिक है तो किस किस प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है, क्या कॉमन डोज होनी चाहिए, क्या कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है, एवं वीडियो के लास्ट में हम सीख लेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, कुछ प्रिकॉशंस और सावधानियां के बारे में, एवं वह भी यह भी सीख लेंगे कि वह कौन से व्यक्ति है जिसे हम यह टैबलेट नहीं दे सकते, मतलब एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोरिनिक एसिड वाली टैबलेट नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स, इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम आज सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो दवाओं की अधूरी जानकारी होती है वह काफ़ी घातक होती है। साथ ही साथ वीडियो को अभी से लाइक करें, एवं चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त किशन, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने जाना कि एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोरिनिक एसिड एज एक एंटीबायोटिक वर्क करता है, तो इसका प्रयोग आपको हर प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। बट उससे पहले हम यह जान लेते हैं दोस्तों कि यह किस किस ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाती है जिसमें आपको एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोरिनिक एसिड होता है। तो अगर हम इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करते हैं तो उसमें आपको मॉक्सिकाइंड सीवी टेबलेट, अगुआमेंटिन टेबलेट, क्लेवेम बिट टेबलेट एवं ओबनी क्लैब टेबलेट हैं। साथ ही साथ ये अपने मूल एवं जेनरिक नाम एमोक्सिसिलिन एवं पोटेशियम क्लोरिनिक एसिड से मिल जाती है। इसके अलावा यह मेडिकल स्टोर पे आपको अपना शॉर्ट नेम एमोक्सी क्लैब से भी मिल जाती है, तो आप इसे एमोक्सी क्लैब सिंपल कह करके परचेज कर सकते हैं। अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो यह आपको मार्केट में 375 मिलीग्राम एवं 1000 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में मिल जाती है। अब हम वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों इसके यूजेज के बारे में विस्तार से। जैसा कि एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, इसका प्रयोग आपको हर प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिनके कान में किसी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, जिससे हम ओटिटिस मीडिया के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में मिडिल ईयर इन्फेक्शन कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति के कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पस बाहर आ सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, तो इन सारे कंडीशंस में आपको यह टेबलेट दिया जाता है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जिनके लंग्स में किसी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि ब्रोंकाइटिस या फिर न्यूमोनिया, तो ये दोनों लंग्स से रिलेटेड एक प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, जिसमें व्यक्ति के चेस्ट में पेन रह सकता है, श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है एवं व्यक्ति को फीवर भी आ सकता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी आपको इस टेबलेट का प्रयोग, मतलब एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोरिनिक एसिड टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिनको यूटीआई का इन्फेक्शन हो गया हो, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, तो वहाँ पर भी आपको एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोरिनिक एसिड वाली टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग आपको वाउंड हीलिंग के लिए भी किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिनको स्किन पे किसी प्रकार का वाउंड हो गया हो, तो उसको ठीक करने के लिए एवं उसको हील करने के लिए आपको इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि हम और इसके यूजेज की बात करते हैं दोस्तों, तो यदि कोई व्यक्ति जिनके स्किन पे किसी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया हो, आँखों में किसी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर माउथ में किसी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसके ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है। तो अगर हम ओवरऑल बातें करते हैं दोस्तों, तो यदि हमारे बॉडी पे किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए एमोक्सिक्लैब का प्रयोग किया जाता है, इसका बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। अब अगर हम एमोक्सिक्लैब के डोज की बात करते हैं, तो यह पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, पेशेंट के एज के ऊपर, वेट के ऊपर, हम उसके कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट फिर भी एक नॉर्मल एडल्ट्स के लिए हम इसके कॉमन डोज की बात करते हैं, तो यदि कोई एडल्ट जिनको बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रखा है किसी कारण बस, तो वह 625 मिलीग्राम का एक टेबलेट दिन में एक बार प्रयोग में ले सकता है, उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।
अब हम वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। अगर हम एमोक्सिक्लैब के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति को नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया की समस्या हो सकती है, व्यक्ति को स्टमक में पेन हो सकता है, अपसेट सा लग सकता है, तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स उसको देखने को मिलता है। बट हो सकता है इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिले, तो आप फर्दर इस दवा का प्रयोग बंद करें एवं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वह जल्द से जल्द आपको दूसरी ट्रीटमेंट दे सके। अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं दोस्तों इसके कुछ प्रिकॉशंस एवं सावधानियां के बारे में एवं वह कौन से व्यक्ति जिसे हम एमोक्सिक्लैब नहीं दे सकते, मतलब एमोक्सिक्लैब पोटेशियम क्लोरिनिक एसिड वाली टेबलेट नहीं दिया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति जो कि एमोक्सिक्लैब से एलर्जिक रखता हो तो उसे भी हम एमोक्सिक्लैब नहीं दे सकते। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जिनको लीवर किडनी से रिलेटेड किसी प्रकार का समस्या हो तो उसे भी कई बार नहीं दिया जाता है। यदि आप एमोक्सिक्लैब का प्रयोग प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कर रहे हैं तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, नहीं तो यह कुछ घातक दुष्परिणाम दे सकता है। तो फ्रेंड्स, यह था संपूर्ण डिटेल्स आपका एमोक्सिक्लैब के बारे में, मतलब एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोरिनिक एसिड के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं हूँ आपका दोस्त किशन, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।